गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हैप्पी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है. सो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5. क्या है आपके चैप्टर का नेम स्टूडेंट? ए एन द, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्टिकल. आज हम करने वाले हैं आर्टिकल, ठीक है. आर्टिकल को हम अच्छे से आज समझेंगे क्या होते हैं आर्टिकल. आर्टिकल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे ए एन द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं. तो यही आपके चैप्टर का नेम है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं अल्फ़ाबेट. मैंने आपको जब पढ़ाया था वोवेल और कॉन्सोनेंट अच्छे से बताया था, फिर से एक बार रिविज़न कर लेते हैं. अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, वोवल्स होता है. कॉन्सोनेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स हमारे? 21, और 5 हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वोवल होते हैं. हमारे टोटल स्टूडेंट्स हमारे टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं. इसमें से हमारे 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. जैसे डी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. कितने हैं ये? 21 है फ्रेंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. कितने हैं कॉन्सोनेंट? 21. और इधर क्या है? ये हमारे वोवल हैं. ओके, इसे कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U, वोवल है. ये कितने हैं? 5 है, ठीक है. 21 कॉन्सोनेंट है, वोवल 5 है. इतना आप सभी को अच्छे से पता है और मैंने आज अभी बताया मैंने आपको, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ए और एन, सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की. स्टूडेंट हमेशा ए का यूज हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले हम हमेशा ए का यूज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा काओ, और यहाँ मुझे आर्टिकल लगाना है, ए एन में से कुछ लगाना है, ठीक है. क्या लगाऊंगी मैं? तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लेटर देखना है क्या है हमारा. सी है. सी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है या वोवेल में आता है स्टूडेंट्स? तो आप सभी को पता है कॉन्सोनेंट में आता है. कॉन्सोनेंट से के लेटर से पहले हम हमेशा ए का यूज करते हैं. ए काओ, क्या यूज करते हैं हम? ए का यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम कॉन्सोनेंट से पहले. किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी ओ वाई, बॉय. तो यहाँ क्या लगेगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखिए क्या है हमारा. बी है फर्स्ट लेटर, तो हमें यहाँ क्या लगाना है? ए लगाना है, ठीक है, ए बॉय, ठीक है. थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बी ए जी, बैग. तो इसमें भी हमने सबसे पहले वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है. ओके, क्या है हमारा फर्स्ट लेटर? बी है. तो हमने यहाँ क्या लगा देना है? ए लगा देना है. इतना आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया है कि कॉन्सोनेंट से पहले जहां भी कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है उससे पहले हम हमेशा ए का यूज करते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं एन का. एन का कहाँ यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स? तो एन का यूज हम करते हैं जहां भी हमारा वोवेल्स आते हैं उससे पहले हम एन का यूज करते हैं. जैसे ए डबल पी एप्पल. तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे स्टूडेंट्स? तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, हमें फर्स्ट लेटर देखना है ए. तो किस में आ रहा है? वोवेल में आ रहा है, और वोवेल से पहले हमने क्या लगाना है? एन लगाना है. ए एन एन एप्पल, ठीक है. सेकंड देखते हैं, ई ए जी एल ई, ईगल. अब यहाँ हमें फर्स्ट लेटर देखना है, ईगल का क्या है? ई है. ई किस में आ रहा है हमारा? वोवेल में आ रहा है, और वोवेल से पहले हमने क्या लगाना होता है? एन लगाना होता है. तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा? एन. आई, आई सी ई सी आर ई ए एम, आइसक्रीम. ओके, तो आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर देखिए क्या है? आई है. आई किस में आ रहा है? वोवेल में आ रहा है ना, और वोवेल से पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं.
कॉल लिखते हैं ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या है स्टूडेंट्स हमारा? ऑरेंज का फर्स्ट लेटर हमारा ओ है, और ओ हमारा किस में आता है? वोवल में आता है, और वोवल से पहले हम हमेशा एन का यूज करते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला का यू फर्स्ट लेटर कौन सा है? यू है, और यू हमारा वोवल में आता है, तो यहां भी हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मैंने यहाँ सी ओ डब्ल्यू का लिखा था, अब मैंने यहाँ ए का यूज क्यों किया है? क्योंकि मैंने देखा है फर्स्ट लेटर सी है, सी हमारा किस में आ रहा है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है। हम हमेशा ए का यूज वहां करेंगे स्टूडेंट जहां हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कोई भी हमारा जो वर्ड है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके नाम से पहले हम ए का यूज करेंगे। और हम एन का कहाँ यूज करेंगे? ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड हैं उनसे पहले हम हमेशा एन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा था सी ओ डब्ल्यू का, तो मैंने देखा सी सी कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो हमने यहाँ लगा दिया ए। सेकंड बी ओ वाई बॉय, बॉय का फर्स्ट लेटर है बी, कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो मैंने ए का यूज किया है। थर्ड बी ए जी बैग, बैग का भी फर्स्ट लेटर बी है तो मैंने यहाँ ए का यूज किया है। ठीक है, जैसे एम ए पी मैप, तो मैप का भी फर्स्ट लेटर क्या है? एम है, तो यहाँ भी मैं ए का यूज करूंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आंटी, आंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ देखिए आंट लिखा है मैंने, तो फर्स्ट लेटर देखिए क्या है? ए है, तो क्या आपको देखते ही समझ जाना है कि फर्स्ट लेटर ए है, और जहां भी हमारा ए ई आई ओ यू में से कोई सभी लेटर से स्टार्ट होता है कोई सभी हमारा वर्ड, वहां हम का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया, ए कहाँ यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले। एन कहाँ यूज करते हैं? वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले। ए कॉन्सोनेंट से पहले और एन वोवल से पहले। आई होप ए और एन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स दा की। ठीक है, हम दा क्या यहाँ यूज करते हैं? ठीक है इस फ्रेंड्स, दा का यूज हम वहां करते हैं उन नामों से पहले करते हैं जो पूरे संसार में एक ही है, जैसे सन सूरज। आपको पता है कि सन पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड में क्या है? एक ही है, तो हम वहां ना ए का यूज करेंगे ना एन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे वहां। एस यू एन सन, क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। क्यों यूज करा मैंने यहाँ दा का? क्योंकि सूरज सन जो पूरी दुनिया में पूरे विश्व में एक ही होता है, उसके जैसा और कोई नहीं होता, तो उसके नाम से पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मून एम डबल ओ एन मून, यहाँ क्या होगा? यहाँ भी क्या लगाएंगे हम? दा का यूज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि
मून तो एक ही, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में कोई दूसरा मून है और बाहर कंट्री में जाएंगे वहाँ कोई दूसरा मून निकल रहा होगा। पूरी दुनिया में एक ही है ना सूरज और चांद, एक ही है ना सन और मून, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ठीक है, ताजमहल, अब बताइए ताजमहल भी है ना पूरी विश्व में एक ही है ना, ऐसा कहीं ताजमहल दूसरा नहीं बना है, पूरे संसार में एक ही है, तो इसलिए ताजमहल के नाम से पहले भी हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। अर्थ, ई ए आर, अर्थ, अर्थ में तो होता है स्टूडेंट धरती, तो आपको पता है पूरे संसार में एक ही धरती है, अलग अलग तो नहीं है, पूरे विश्व में एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो यहां भी हम क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ओके, तो बस आपको ये हमेशा याद रखना है दा का कहां यूज करना है, दा का कहां यूज करना है, जो चीज संसार में एक ही होती है उसके नाम से पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं, जैसे सन, मून, ताजमहल, अर्थ। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ दा का यूज किया है, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, वीडियो को कैरफुली देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।